उद्घाटन दौरा यह माना जा रहा है, ताबड़तोड़ उद्घाटन। लेकिन क्या काशी को क्योटो बनाने का कोई टाइमलाइन है ताकि बाकी जो शहर हैं यूपी के वो भी इंतजार में लाइन में लग जाएं? क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या हम माने ये चुनावी रणभेरी है प्रधानमंत्री की तरफ से ताकि यूपी योगी को ही पसंद करे? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक सांसद भी हैं और स्वाभाविक रूप से बनारस के संसद सांसद होने के नाते ये गर्व का विषय भी है। बनारस अर्थात काशी अर्थात वाराणसी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार इस प्रकार से बनारस के लिए सौगात लेके नहीं पहुंच रहे हैं। पहली भी कई बार हमने दिसंबर 2020 में देखा था, उस समय कोरोना चरम पे था, मगर प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मीडियम से किस प्रकार अनेकों सौगातों का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और जहां तक क्योटो बनने का सवाल है, जहां तक टाइमलाइन का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा अंजना जी, आप देखिए आज जो भी बनारस जाता है, चाहे बाबा के दर्शन करने जाता है तो बनारस के बाबा के कॉरिडोर का जो दृश्य देखता है, चाहे सड़कों का जो दृश्य देखता है, चाहे गंगा के घाट का जो दृश्य होता है और बिजली के तार जो ऊपर पहले लटके होते थे उन बिजली के तारों का जो दृश्य होता है आज वो दिखता नहीं है। बदला बदला सा काशी हम सबको नजर आता है। बहुत त्वरित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री कल क्या क्या इनॉग्रेट करेंगे। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है मगर छोटे से लिस्ट में मैं बताना चाहूंगा जनता के लिए 744 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार है और 839 करोड़ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने वाला है, कुल मिलाकर के लगभग आपने जो कहा था 1600 करोड़ रुपए का। 100 बेड का मॉडल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एमसीएच विंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मल्टी लेवल पार्किंग है गडौलिया में, रोरो वेसल्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गंगा नदी पर, ठीक उसी प्रकार 3 लेन का फ्लाईओवर बनारस गाजीपुर हाईवे के ऊपर है, रुद्राक्ष जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इको फ्रेंडली सेंटर है, उसका भी उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी करेंगे, और साथ में ही जो CIPET सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ 143 रूरल प्रोजेक्ट्स जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, घर घर तक पाइपलाइन पहुंचे, जल हम पहुंचा सके, इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और आम और वेजिटेबल्स इनको इंटीग्रेटेड पैकेज के माध्यम से पैकिंग का जो सेंटर है उसका भी उद्घाटन करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लिस्ट मेरे सामने हैं, बहुत समय लगेगा उसको बताने में, इन सब का इनॉग्रेशन होगा। मुझे लगता है शहर भी लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल आप मुझे उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाकी शहर, आप बाकी शहरों का भी पूछेगी अंजना जी, और उत्तर प्रदेश का चुनाव का माहौल है, आप मुझे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगी तो मैं उसका भी पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। अंजना देखिए चुनाव का माहौल है, मैं इतना कहना चाहूंगा चुनाव में जीत अर्थात नियति किसकी होती है? नियति उसी की होती है जिसके पास नेता होता है, जिसके पास नीति होती है और जिसके पास रिपोर्ट कार्ड होता है। हमारे पास नेता भी है, हमारे पास उचित नियत भी है और हमारे हाथ में रिपोर्ट कार्ड भी है। आपको दिखा सकता हूं, मैं वाकई रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा हूं, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास 4 वर्ष के अचीवमेंट का रिपोर्ट कार्ड भी है। तो हमारे पास तीनों चीज है। आप बाकी हमारे 2 भाई बहन आए हुए हैं, उनसे पूछिए क्या उनके पास नेता है? किसी के पास नेता नहीं है तो किसी के पास नीति नहीं है तो किसी के पास रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है। मेरे पास तो तीनों है, इसलिए हमारे पास उत्तर प्रदेश भी होने वाला है। सुप्रिया जी, नेता का संकट आ गया है क्या कांग्रेस पार्टी में? यूपी में कमान कौन संभालेगा? क्या यह खबर सही है कि 16 जुलाई को प्रियंका गांधी जाएंगी लखनऊ और उसके बाद वो प्रचार की शुरुआत करेंगी? क्या एक वैक्यूम नहीं दिख रहा है इस वक्त? मुझे कभी कभी हंसी आती है और हंसी इसलिए आती है, आपने सवाल किया कि बाकी जिले भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी जिले नहीं इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। पता है क्यों इंतजार कर रहा है? क्योंकि मोदी जी को देश ने बड़े प्रेम से चुना था और जिस तरह का धोखा मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, ये देश उनसे सवाल पूछ रहा है और वाराणसी भी उनसे सवाल पूछ रहा है, वाराणसी उनसे बहुत सवाल पूछ रहा है, वाराणसी पूछ रहा है बाबा की इस नगरी में 350 मंदिर क्यों तोड़ दिए गए और उनका मलबा पाइपलाइन के जरिए क्यों गंगा में डाल दिया गया, जिससे गंगा का एकमात्र चंद्राकार बदल रहा है, हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वाराणसी ये पूछ रहा है कि क्यों पूर्वांचल के 10 जिले जिसमें वाराणसी भी शामिल है वहां पर 1 सप्ताह में 50% वैक्सीनेशन गिर गया है। वाराणसी में मात्र 1000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है अभी। ये वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता है, वाराणसी पूछना चाहता है कि तीसरी कोरोना की वेव दस्तक दे रही है दरवाजे पर, कहां है वो ICU, कहां है वो वेंटिलेटर? वाराणसी जानना चाहता है कि राजन मिश्रा जी की मौत क्यों हो गई,
वाराणसी जानना चाहता है कि चंदूलाल मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक थे, उनकी बेटी के मौत के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ, कैसे पैसे की वसूली करी जा रही थी वाराणसी में, किस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, कोई अस्पताल ही नहीं था, कोई ऑक्सीजन ही नहीं था, और राजन मिश्रा जी की तो बिना ऑक्सीजन के इस देश में बात हुई। ये सारे सवाल पूछेगा, लेकिन वाराणसी और भी पूछ रहा है। वाराणसी पूछ रहा है कि सीवर व्यवस्था जो थी वो ध्वस्त होकर और खत्म क्यों हो गई, क्यों कूड़ों का ढेर वो शहर बन गया, क्यों गंगा का चंद्राकार बदल रहा है। एक मिनट मैं पहली बात बोलूं फिर आप बोलिएगा। वाराणसी ये भी पूछेगा कि भाई आपने बड़ी फैसिलिटीज कही थी, आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया, उस माँ गंगा के आंचल में जब लाशें तैर रही थी तो मोदी जी आपके मुंह पर पट्टी क्यों बांधी थी। ये काशी की नगरी, ये बाबा की नगरी, ये वाराणसी मोदी जी से पूछ रहा है। आप कितने भी घंटे बजा लीजिए, जो ईश्वर है ना वो सब देखता है।